नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ए गैस इन लिक्विड, मीन्स आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहा, एक लॉ रहा, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को पढ़ने से पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसों को पढ़ते हैं। ये जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है ये तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करती है। हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेज इन अ लिक्विड डिपेंडेड मेनी फैक्टर्स। ये तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करता है, जैसे आपका है नेचर ऑफ गैस। सेकेंड कह लेते हैं हम नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड कह लेते हैं हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और आपका है टेम्परेचर, और लास्ट में लिख लेते हैं प्रेशर। तो बहुत सारे फैक्टरों पर ये सॉल्युबिलिटी जो है गैसों की, गैसेज इन ए लिक्विड, गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ये तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करती है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत अच्छा फैक्टर रहा ये। कोई ऐसा गैस होगा जो किसी सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऐसे भी होंगे जो कि कोई गैस होगा जो कम सॉल्युबल होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो लगभग जीरो के इक्वल सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर स्पेशली डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये कहा जाए, ध्यान देंगे, मैक्सिमम सॉल्युबल गैस इन वाटर, तो कौन सा है आपका गैस? अमोनिया। ये अमोनिया वाटर मींस लिक्विड हो गया, इसमें सबसे मैक्सिमम सॉल्युबल होता है। और यदि जो है एक वॉल्यूम आपका वाटर है तो इसमें 1300 वॉल्यूम जो है ये अमोनिया का सॉल्युबल हो जाता है। ध्यान देंगे आपका मैक्सिमम सॉल्युबल गैस इन वाटर अमोनिया। एक वॉल्यूम वाटर का हो तो इसमें 1300 वॉल्यूम जो है ये अमोनिया का इजली सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन सबसे अगर हम बात मिनिमम की करते हैं कि मिनिमम सॉल्युबल कौन सा है, तो नाम है आपका हीलियम। एक वॉल्यूम वाटर है तो इसमें जो है 0.01 वॉल्यूम जो है ये हीलियम का सॉल्युबल होता है। तो हम देख रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात ये किया जाता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड, किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का डिटरमिनेशन जो है, निर्धारण जो है, ये किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के द्वारा। आप ध्यान देंगे किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का डिटरमाइन जो है, डिटरमिनेशन किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के द्वारा। और ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट स्पेशली सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड।
determine the absorption coefficient. It is defined as the volume of the gas in 1 milliliter. किसी गैस का 1 मिलीलीटर जो है ये वॉल्यूम है आपका. यहां चलेंगे एक्सपेरिमेंट, यहां दैट कैन बी डिजॉल्व बाय 1 मिलीलीटर लिक्विड सॉल्वेंट. 1 मिलीलीटर जो है लिक्विड सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होगा, लेकिन एट द आप कह लीजिए डेफिनेट टेम्परेचर, आप कह लीजिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, आप द एक्सपेरिमेंटल एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट होना चाहिए, इकाई होनी चाहिए. तो यूनिट एक्सपेरिमेंटल यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब टेम्परेचर डेफिनेट हो, कोएफिशिएंट हो, तो आप देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम किसी गैस का या 1 मिलीलीटर गैस वॉल्यूम हो, जिसका वॉल्यूम जो है वो गैस का कितना हो, 1 मिलीलीटर हो, तो ये डिजॉल्व हो सकता है 1 मिलीलीटर लिक्विड सॉल्वेंट में. ये डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को. अगर माना जाए कोई गैस है, उसके वी वॉल्यूम पर पार्शियल प्रेशर आपका पी हो, जिसमें आपका वी वॉल्यूम गैस डिजॉल्व हो जाए, वी गैस वॉल्यूम जो है डिजॉल्व हो जाए, तो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा इक्वल टू हो जाता है वी बाई आपका वी पी. ध्यान देंगे ये क्या है, जब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर पर वॉल्यूम वी हो, प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी हो, इसमें वी वॉल्यूम का गैस डिजॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तब इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा इक्वल टू वी बाई वी पी होता है. ये है आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ. तो बात करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ की. हेनरी ने इसे दिया 183 में. कहा गया यस जो है ये है आपका सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर के. ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, प्रेशर ऑफ ए गैस के. यही इतना है आपका हेनरीज लॉ है. आप ध्यान देंगे हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड का पर जो है प्रेशर का स्टडी करके एक रूल बनाया और कहा इसे हेनरीज लॉ. आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, इस पर जो है स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को यस मान लें और आपका प्रेशर को पी मान लिया जाए, तो आपका यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, पी के. तो कहा गया है आपका द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एट द डेफिनेट टेम्परेचर आर कांस्टेंट टेम्परेचर. ऐसे भी कह सकते हैं आप एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका प्रेशर. कार्ल हेनरीज लॉ. तो ये है आपका हेनरी लॉ. दूसरी बात है आपका, अगर मान लिया जाए कि यह मास है गैस का जो डिजॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में, डिजॉल्व हो रहा है, इसका प्रेशर कितना है, आपका प्रेशर पी है, और वो जो है गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी के. और इसे कह दिया जाए आपका यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पी. के इज इक्वल टू क्या है,
आपका ये हो गया हेनरी कांस्टेंट, या इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी। तो यम ये इक्वल टू है, यम इक्वल टू आपका के भी हो सकता है इफ पी इक्वल टू यूनिट। अगर पी को हम वन मान ले, यूनिट मान ले, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। आप कह सकते हैं आपका कि मास इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट एट पर यूनिट प्रेशर, ये आ जाता है यम इक्वल टू के। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, यदि कहा जाए आपका यक्स, ये है आपका यक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन है। तो ये आपका पी जो प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट गैसियस स्टेट में। तो आपका आ गया क्या, पी प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सोल्यूशन। इसको इक्वल कर लीजिए, P इज इक्वल टू K और क्या हो गया AX। यहां से P इज इक्वल टू आपका आ जाता है क्या KX, या इसे कह दिया जाता है K क्या है हेनरी कांस्टेंट। तो इस हेनरी कांस्टेंट को, हेनरी कांस्टेंट को जो है KH द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो P इक्वल टू हो जाता है K और H। इसे हम लिख सकते हैं आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। इस पे आपका कभी कभी आता है सवाल, तो आप इसको देख लीजिए हेनरी ला, हेनरीज ला को एक बार आप हेनरीज ला फिर से देख लीजिए। हेनरी ने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड पर प्रेशर का स्टडी किया कि इसके प्रभाव को कैसे फैक्टर किया जाता है, तो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, इसी को एक रूल बनाया, कहा गया हेनरीज लॉ। यस क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आर पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेफिनेट टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर। सीधे सीधे आप कह लेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट डेफिनिट आर कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ सॉल्युबिलिटी यस प्रेशर पी, इफ यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, या इसे हटा दिया जाए ऐसे लिखा जाता है यदि आपका यम इज द मास ऑफ गैस, ये गैस का मास हो और यम प्रेशर हो जो यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व हो रहा है, यम मास है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के, और यम को इक्वल कर दिया जाए तो आ जाता है के और पी। के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट। यदि आप जो है पी की वैल्यू वन कर दीजिए, यूनिट कर दीजिए, तो जो है आपका यम इज इक्वल टू आ जाता है के, अर्थात मास इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इफ पर यूनिट आप प्रेशर आर पार्शियल प्रेशर, पर यूनिट प्रेशर पर मास जो है ये हेनरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। दूसरी चीज है आपका पी है आपका क्या, पार्शियल प्रेशर या फिर गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन है किसी गैस का, तो आपका कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस।
इसको इक्वल करेंगे के कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट लाएंगे तो P इक्वल टू के एच इनटू एक्स हो जाता है। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। तीन वैल्यूज हैं, इनमें से दो दिए रहेंगे, थर्ड को पूछा जाता है। तो ये है आपका हेनरी कांस्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है। इसमें है आपका प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ना हो। टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर जो है आपका बहुत ज्यादा लो ना हो। द गैस डू नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट, ये जो है आपका सॉल्वेंट के साथ कंबाइन ना करता हो। दूसरी खास बात है द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट आइदर डिसोसिएट आर एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ ना डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे। जैसे बात अगर हम डिसोसिएट की करते हैं, बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? डिसोसिएट की। डिसोसिएट मीन्स आपका टूटना है, ये HCl के लिए लागू नहीं होता है। ये सॉल्वेंट में जो है आपका H प्लस HCl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, तो इस पर ये रूल लागू नहीं होता है। दूसरी बात है आपका एसोसिएशन की है, एसोसिएट होने वाला। जैसे हमने बताया कि अमोनिया जो है ये वाटर के साथ सबसे तेजी जो है रिएक्ट करता है और ये बनाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका एसोसिएट हो जाता है। और ये जो है पुनः अमोनियम आयन और देता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन, डिसोसिएट भी हो जाता है। तो ना तो एसोसिएट हो और ना तो ये डिसोसिएट हो विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ। और दूसरी खास बात है आपका ओनली यूज फॉर आइडियल गैस। ये रूल हेनरीज ला जो है ये केवल आइडियल गैस पर ही लागू हुए। लेकिन अगर हम प्रेशर लो कर दें, प्रेशर क्या कर दिया जाए लो, तब ये रियल गैस पर भी लागू होता है। क्योंकि लो गैस, लो प्रेशर पर रियल गैसें जो है ये आइडियल गैस की तरीके से कार्य करने लगते हैं। एट द लो प्रेशर रियल गैसें यूज एज ए आइडियल गैस, ये स्पेशली आइडियल गैस पर ही लागू होता है। लेकिन लो प्रेशर पर ये रियल गैस पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि लो प्रेशर पर ये वैसे ही काम करने लगता है जैसे कि आइडियल गैस। तो डिसोसिएशन सॉल्वेंट के साथ नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, केवल रियल गैस के पर नहीं लागू होगा, आइडियल पर लागू होगा। लेकिन जो रियल लो प्रेशर कर दिया जाए तो उस पर लागू होगा। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ना हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो ना हो, केमिकली ये कंबाइन ना होते हो, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। कंबाइन करेंगे तो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, जो कि इसमें होना नहीं चाहिए। ये है आपका लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।